अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रहो, आबाद रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। तो आज आए हुए हैं हम इधर भैंसों के फार्म पे। तो जनाब ए भाई नासर दा फार्म ते इत्थे साढ़े शहर दे विच नाल ही, ते उन्होंने रखियां ने मझां ते गावां ते कट्टे। यह देखो कट्टे ने मझां ने ते ऐ वे उन्होंने सेटअप दरवाजा कर देने बंद। ऐ ने जी मैसां ते बहुत ही प्यारियां याब किस्म दियां मैसां। देखो जी एक तो एक वध मझ वे ते बड़ी प्यारी। ऐ गाइयां ने देसी गाय है, ए बलैती है भी देसी ते ए भी गाय। ए भी इन्हों का सैटअप दोनों साइडां ते खुरलियां ते दरम्यान दे विच दी रस्ता ते ए फिर दरम्यान इधरले पासे खुरली ते इहदे विच ही फार्म मझां दे फार्म ते नाल नाल इन्हां ने होर भी इत्थे बहुत कुछ बनाया। इन्हां ने बनाया फिश फार्म ते जिहड़ा तुहानूं इहदा वी व्यू दिखाउंदे आ ते ए देखो जी फिश फार्म बड़ा ही खूबसूरत फार्म। इन्होंने अपने खाने वास्ते भी मछलियाँ इत पैदा करते हैं, जिमें कि बाजार के मछलियाँ लो तो उन्होंने मसनूई खुराक वगैरह दी जाती। अपने फल फ्रूट वगैरह तो बहुत कुछ ये फार्म पाते हैं, जिहड़ा कि ताकत वाली मछलियाँ होन देसी खुराक आलियाँ मछलियाँ तो उन्हों का जायका तो उन्होंने गोशे का स्वाद ही कुछ होर आते। अपने हाथ नाल जड़े चीज़ा पाइया ओरिजिनल देसी तैयार की तो ए ने अमरूद अमरूदा दे बूटे भी ने, खजूर का बूटा तो बड़ा ही प्यारा व्यू है फिश फार्म का। ये फिश आप भी खाते हैं तो फिर बकाया जी बचती है उन्होंने सेल भी कर देंगे। तो जड़े हुण भाई हुणी ने इन्होंने इन्हों डंगरां जाने कि मैसां मसाला दे अंडे ने ते इहदे वास्ते, क्योंकि अजकल जिवें सर्द मौसम आ वाईबादी दा है वे मौसम ते जोड़ वगैरह ना डंग इन्हां दे हैवानां दे रुक जाण ते इस वजह तो इन्हां नूं मसाला वगैरह देण डए ने। ते जिहदे विच कि उन्होंने हरी मिर्च तुंबा जवैन ते होर बहुत मसाले पाए, जिहड़ा कि इंशाल्लाह नैक्सट व्लॉग विच तुहानूं जरूर दसांगे कि इहदे विच किहड़े किहड़े मसाले यूज हुंदे आ। ते ऐ वा जी इहनूं कहिंदे मीणी मझ। ते इहने अपना खुरली दे विच सिंग ला लिया सी जिहदी वजह तों जख्म होया ते इहनूं पट्टी कीती होई आ। ते ऐ भाई उन्होंने रखे हुए ने कबूतर ते मुर्गे, कबूतर ते मुर्गे ते बकरियां। ते ओ मैं कॉल आ गई सी इस करके ते ऐ कबूतर मुर्गे मुर्गे भी घर दे ने इन्हां दे ते बहुत ही नजाब किस्म दे देसी मुर्गे। ए बकरियां दे छोटे छोटे शलारू ते तुसी देख रहे होगे कि कबूतर तुहानू कबूतर दिखाने तो बड़ा ही मज़ा आने वाला तुहानू इस फार्म का। तो प्लीज़ मेरी वीडियो नू लाजमी पूरा वाच करे, तुहानू दिखाने ए देख कबूतरां दा सैटअप। ए उन्होंने अंडे तो बच्चे देने वास्ते बैठे हुए हैं कबूतर ते हर चीज़ की फार्मिंग करते हैं ते तुहानू हुण दिखाने आ। ऐ देखो ऐ मुर्गा किन्ने कद दा ते किन्ने प्यारा मुर्गा। ते ऐ ने उन्हां दियां बकरियां ते बकरियां वी रखियां ने। ते उन्हां दा कहाणा ए वे कि असीं 3 तों 4 लख रुपया महाना कमाउने आ बकरियां दे फार्मिंग तों वी ते जिहड़ियां भैंसां वगैरह रखियां जाण के सारे खर्चे कढ के। ऐ देखो
अगर किसी भैन भरा नूं यार दोस्त नूं यह मदरसे वाली बकरियां जिन्होंने कहिंदे आ चीनियां मीनियां कालियां ते मदरसे वाली बकरियां यह सारिया इन्होंने फार्मिंग करते हैं। अगर किसी जी नूं कोई शौक रखता हो किसी ने खरीदो फरोख्त करनी हो इत्थे नासर भाई नाल राबता कर सकता। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होंदी है कि मैं अपने व्यूअर्स नूं कोई नित नवी शै अपनी वीडियो च दिखावां। तो तुहाडे लोकां दा भी बड़ा शुक्रिया कि तुसी लोकां ने बड़ा सानूं प्यार दिता बड़ी सपोर्ट की थी। ते यही कहना चाहते मुकम्मल मेरी वीडियो नूं वाच करिया करो ताकि तुहानूं पता चले कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन्होंने जदीद औजार जे देखे ऐ देखो ए स्पेशल ट्रैक्टर तैयार करवाया इन्होंने ते ऐ देखो ए बहुत सारा साजो समान है सारा कुछ ते इत्थे इन्होंने लाया होया वा पट्ठे कुतरन वाला सिस्टम ते इत्थे लाइट दी लाइट ते भी मोटर लाई हुई है। अगर लाइट ना भी होवे ते ए पीटर ते भी इत्थे चारा बना सकते हैं। ऐ देखो तूड़ी ऐ पीटर लगा पीटर ते भी चलती है ते ऐ बिजली ते भी चलती बाकी आ तूड़ी इस कमरे दे विच रखी हुई है ते इत्थे चारा ते गोबर वगैरह बाहर सुट्टण वास्ते ते जिवें कि देखिया तुसीं भाई नासर दी फार्मिंग नूं उन्होंने कैसे सैटिंग बनाई हुई है बड़ी ही प्यारी। इन्होंने इत्थे गुलाब दे फूल वगैरह बहुत ही प्यारा माहौल है इत्थे दा ते अगर साड़ी वीडियो अच्छी लगी होवे तुहानूं चंगी लगी होवे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।